हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सिंह पवार, एक बार फिर से मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड में हूँ। तो दोस्तों, आज ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ की दुनिया भर से लोग आते, दुनिया भर से भक्त आते। हाल ही में जो है इंडियन टीम क्रिकेट के बेहतरीन क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वहाँ आ चुके हैं। गोपर मार्केट, फिर केमू स्टेशन में मिलेंगे, फिर वहाँ जाएंगे। लगभग अल्मोड़ा से 40-45 किलोमीटर है, तो हम केमू से जाएंगे तो लगभग 2 घंटा लगेगा हमको उस लोकेशन पर जाने के लिए। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, आपको जो है थंबनेल से भी पता चल चुका होगा, फिर बाकी की बातें आगे करेंगे। अब मिलता हूँ ऊपर मार्केट में। तो अभी मैं यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, इससे पहले अल्मोड़ा मार्केट की वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे बिहाइंड यह मल्ला महल, और आपने ऊपर मंदिर देखा था वो है रामशिला मंदिर। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 1 साल पहले इसका भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हमारे मित्र श्री मोहसिन अख्तर जी ने जो गाइड का काम किया था, तो उस बारे में पूरा डिटेल से बताया था उनके द्वारा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, तो आप हमारे साथ बने रहे। तो ये है, इसको देखिए, उसी टाइम पर जो पुराने स्वरूप में लाने के लिए जो है ये ESI के अंडरगत ले लिया गया है। ESI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है मल्ला महल को जो है संरक्षित किया गया है, और इसका जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो बना चुके हैं इससे पहले, वो वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी मैं जा रहा नीचे केमू स्टेशन। दोस्तों, यहाँ पर केमू स्टेशन में पहुँचना भी लेट हो रहे, तो जिन्होंने जो है बस रोक दिया, आप लोग देख रहे हैं पीछे केमू स्टेशन में, और सामने ये बस, इस बस में हम जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों, जैसे अभी मैं अल्मोड़ा माल रोड में हूँ। तो फाइनली इधर में बस में पहुँच गए हैं, हमारे मित्र राणा जी हमको मिल चुके हैं, क्योंकि अभी जल्दबाजी हो रही थी तो डायरेक्ट ठीक बस जा रही थी और बस में बैठ गया। तो फाइनली यहाँ पे कंची धाम में पहुँच चुके हम लोग। तो अभी यहाँ पे बहुत भीड़ है दोस्तों, लगता है लाइन लगानी पड़ेगी, तो आप अंदर जाना पड़ेगा। ये इधर से जाएंगे, इधर बहुत भीड़ है दोस्तों, बहुत ही भीड़ हो रखी है धाम में। आप लोग देख रहे दोस्तों, इतनी भीड़ सोची नहीं है, इतनी भीड़ है। जब यहाँ पे मेला होता है 15 जून को, उस टाइम पर भी इतनी भीड़ थी, और आज और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर करें, जितना शेयर करेंगे तो अंदर जाऊँगा। आप सभी को जो है बाबा से शुभ आशीष मांगेंगे, आपकी दुआएँ जितने भी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, तो आप हमारे साथ बने रहे। अभी देखते हैं, क्योंकि अंदर तो शायद अलाव करते नहीं करते वीडियो बनाना। आपके पास ही दो आ रहे थे, से भी आगे भी सोचा नहीं था दोस्तों, यहाँ पे इतनी भीड़ होगी, बहुत ही ज़्यादा भीड़, क्राउड है। देखिए आगे सीखते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, और अंदर जाएंगे दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली इधर पे जो है हनुमान धाम और बाबा नीम किरोली के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। लगभग 1-2 घंटा हमको जो है अंदर लाइन में वेट करने के बाद जो है दर्शन कर पाए। तो दोस्तों, क्योंकि अंदर का वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, अभी भी देखिए बहुत लाइन लगी इधर पे। आप लोग देखिए, तो दोस्तों
दोस्तों, इससे पहले 15 जून जब बाबा जी का जन्मदिन होता है उस दिन यहाँ पर भव्य मेला लगता है। तो इससे पहले मैं आया तो वीडियो में सारी डिटेल्स नीम किरौली बाबा कैंची धाम इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जो है आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो अब आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि यहाँ पर एकमात्र दुनिया के ऐसे बाबा हैं जो दुनिया में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, दुनिया से इनके भक्त आते हैं। पिछले वीडियो में जो फॉरन से भक्त आए थे उनसे मैंने बात की थी। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में जो कि क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यहाँ धाम आए थे, दर्शन किए थे, उसके बाद जो है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक रहने लगा क्रिकेट में। पीछे देख लोगे जो आपको ये व्हाइट वाला दिख रहा है, इसमें है ये बाबा जी का जो आश्रम है, इसमें बाबा जी की जो मूर्ति लगी मंदिर है ये व्हाइट वाला, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है हनुमान मंदिर, हनुमान धाम। आप लोग दर्शन करने के बाद हम जो है लगभग 1 किलोमीटर आगे अभी तक देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ, लंबी जाम लगी है इधर पे देखो पूरा, ये देखिए यहाँ से देखिए अभी तक पूरा लंबा जाम है। आप लोग देख रहे जाम में फंस गए, तो ऊपर से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही, पैदल पैदल चल रहे हम लोग, अभी खाना भी नहीं खाया हमने। अभी देखिए कितना लंबा चलना पड़ता हम लोगों को। तो दोस्तों वीडियो में मैंने डिटेल इसलिए नहीं बताया कि नीम किरौली बाबा, इससे पहले जो वीडियो बनाया उसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बहुत से लोग आप जानते होंगे क्योंकि वो बाबा जो है बहुत फेमस बाबा नीम किरौली बाबा, दुनिया भर के उनके जो है सबसे मानने वाले भक्त हैं। पूरा जान लगेगा ये, ओ पार से अभी दिख रहा था आपको, वो वहाँ पार से इतनी बड़ी जाम लगी, जाम के उससे जो है पैदल जाना पड़ा दोस्तों हम लोगों को, ऐसी स्थिति आ गई, भूख भी लग रही है। फाइनली इधर पे हम खाना खा रहे हैं, बहुत टाइम लगभग 3-3.5 हो गया टाइम, भूख भी लग गई थी। अभी भी देखिए बाहर जाम लगा, अभी तो जाम खुल गया शायद। ये देखिए आज कैसा रहा खाना, अच्छा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में अवश्य कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें।